तो जनमन की हम शुरुआत करेंगे सदी के महानायक बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के ऊपर आ जाई एक बड़ी खबर के साथ। उनकी सेहत को लेकर आज जो खबर आई उससे उनके प्रशंसकों में चिंता बढ़ गई। दरअसल आज सुबह 5 बजे अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर कुछ ऐसा लिखा जिससे देश भर में उनके फैंस डर गए। मुंबई से डॉक्टरों की एक टीम चार्टर्ड प्लेन से जब जोधपुर पहुंची तो डर और ज्यादा बढ़ गया। उनकी बीमारी ने फैंस को परेशान कर दिया। पता चला कि उनके पूरे शरीर में तेज दर्द है। आपको हम बताते हैं कि अमिताभ को हुए दर्द की वजह क्या थी और डॉक्टरों ने अपनी जांच में क्या पाया। किसने किया अमिताभ बच्चन को बीमार? किसने दिए महानायक को दर्द ही दर्द? पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, बहुत सारी दर्दें हैं। अमिताभ बच्चन का दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्हें मुंबई से डॉक्टर्स की टीम जोधपुर बुलानी पड़ी, जहां वो फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग कर रहे हैं। दरअसल अमिताभ के करोड़ों फैंस उस समय हैरान रह गए जब अमिताभ बच्चन का ये ब्लॉग उन्होंने पढ़ा। अमिताभ रोजाना इस ब्लॉग को लिखते हैं। डे 3641 यानी 3641वें दिन लिखे गए इस ब्लॉग की इन दो आखिरी लाइनों ने सबके होश उड़ा दिए। मैं सुबह अपने डॉक्टरों की टीम को बुलाऊंगा जिससे वो मेरी जांच कर मुझे फिर से सेट कर देंगे। मैं आराम करूंगा और आपको आगे की जानकारी भी देता रहूंगा। बस अमिताभ के इन दो लाइनों ने सनसनी मचा दी। जोधपुर एयरपोर्ट से लेकर जिस अजीत भवन पैलेस में वो ठहरे हुए हैं वहां फैंस की भीड़ जुट गई। मुंबई से आई डॉक्टरों की टीम ने अमिताभ की जांच की। इधर दिल्ली में संसद पहुंची उनकी पत्नी जया बच्चन से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तबीयत ठीक है लेकिन शरीर में कई जगहों पर दर्द है। अमित जी की तबीयत ठीक है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, बहुत सारी दर्दें हैं। कॉस्ट्यूम बड़ा हैवी है इसलिए तकलीफ दर्द, अदरवाइज ठीक। कॉस्ट्यूम ने दिया अमिताभ को दर्द? जी हाँ, यही वो कॉस्ट्यूम है जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन को मुंबई से डॉक्टर्स बुलाने पड़े। देखने से ही इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि फिल्म की ये कॉस्ट्यूम बहुत भारी है। ये फौजी कॉस्ट्यूम है जिसे राजा महाराजाओं के जमाने में सैनिक पहना करते थे। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई से आई डॉक्टरों की टीम अमिताभ की जांच कर वापस लौट गई है। अमिताभ की तबीयत ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। अमिताभ ने फिल्म की शूटिंग से ब्रेक नहीं लिया है। सूत्रों के अनुसार आज रात अमिताभ शूटिंग दोबारा शुरू करने वाले हैं। अमिताभ की जांच करने आए डॉक्टरों ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। खबर है कि फिल्म की शूटिंग अभी 3-4 दिन और रात में ही होनी है और अमिताभ फिल्म की शूटिंग तय कार्यक्रम के अनुसार ही करना चाह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर सदी के महानायक बिल्कुल ठीक हैं। भारी भरकम कॉस्ट्यूम के साथ युद्ध का सीन शूट करने से उन्हें ज्यादा थकावट हो रही है और इसी वजह से उन्हें शरीर में दर्द भी हो रहा है। तो अमिताभ बच्चन अब ठीक है। रात 10 बजे वो अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की जो शूटिंग है उसको रिज्यूम करेंगे। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दिबांग। लेकिन देखिए, अमिताभ बच्चन 76 साल के हैं और जितने एक्टिव वो हैं उसे देखते हुए प्रशंसकों के मन में चिंता होती है जब उनकी सेहत को लेकर इस तरह से खबरें सामने आती हैं। जी हाँ, एक्टिव हैं और बहुत शिद्दत से काम करते हैं, पूरी एनर्जी से काम करते हैं। यानी अगर आप पिंक की बात करें, 102 नॉट आउट की बात करें, तो जिन लोगों ने भी उनके साथ काम किया वो सब यही बताते हैं कि उनके अंदर सबसे खासियत यह है कि इतने साल बाद भी काम के प्रति उनका जज्बा वही है। बहुत मेहनत करते हैं, मतलब जी तोड़ मेहनत करते हैं, लगे ही रहते हैं। तो एक ये बड़ी बात है कि आप इतनी उम्र में भी इतने साल बाद भी लगे रहते हैं। तो उनको एक चोट है, उससे वो उनको बार बार वहाँ दर्द होता है उनको, और यहाँ जो साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत ही भारी भरकम सी उनकी ड्रेस है, उसकी वजह से उनको ये। पिंक में तो दिबांग आपने काम किया है अमिताभ बच्चन के साथ, अमित जी के साथ, कैसा अनुभव आपका रहा? देखिए, कितने करोड़ों फैंस सिर्फ एक झलक पाने को बेताब रहते हैं, आप काम कर चुके हैं उनके साथ।
मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ा उनका रूटीन से काम करते हैं और शिद्दत से काम करते हैं, डायरेक्टर की पूरी बात सुनते हैं। अगर आप टीम के साथ बातचीत देखें तो कभी ये नहीं लगता कि ये बहुत बड़े, इतने बड़े महानायक हैं। एक जो ये महानायक वाला भाव है उनके, उसमें कभी नहीं आता। वो बिल्कुल घुल मिलकर ऐसे काम करते हैं कि बिल्कुल यूनिट में ही हों। ये उनका बड़प्पन है, ये अमिताभ बच्चन की खासियत है। बिल्कुल। तो देखिए, अमिताभ बच्चन, उनकी सेहत को लेकर के लोगों ने दुआएं भी मांगी, प्रशंसकों ने कहा जल्द ठीक हो जाए। और हम आपको ये बता दें कि अमिताभ बच्चन फिलहाल स्वस्थ हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो जोधपुर में अपनी फिल्म की शूटिंग रिज्यूम कर देंगे, शुरू कर देंगे। लेकिन उनकी आज सुबह जो बीमारी की खबर आई, उससे चिंता इसीलिए बढ़ी क्योंकि अमिताभ पहले भी कई गंभीर बीमारियों के शिकार बन चुके हैं। बीमारी और दर्द ने अमिताभ को अस्पताल का मेहमान बनाकर रख दिया। पिछले महीने जब अमिताभ कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए तो उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कविता पोस्ट की, जी हाँ जनाब, मैं अस्पताल जाता हूँ, बचपन से ही इस प्रतिक्रिया को जीवित रखता हूँ। वहीं तो हुई थी मेरी प्रथम पैदाइशी चित्कार, वहीं तो हुआ था अविरल जीवन का मेरा स्वीकार। इस पवित्र स्थल का अभिनंदन करता हूं मैं, जहां ईश्वर बनाई प्रतिमा की जांच होती है, तय पहुंच गया आज रात्रि को लीलावती के प्रांगण में। देव समान दिव्यों के दर्शन करने के लिए मैं विस्तार से देवी देवों से परिचय हुआ, उनकी वचन वाणी से आश्रय मिला। दिबांग, मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह लगी कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद अपनी बीमारियों के बारे में खुलकर बात करते हैं और ये संदेश लोगों को देने की कोशिश करते हैं कि वक्त पर अगर इलाज हो तो कोई भी गंभीर बीमारी ठीक हो सकती है, ये उम्मीद बनाए रखे। हम इस वक्त सीधे रुख करना चाहेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा का, जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जोधपुर में ही ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, अमिताभ बच्चन की जो फिल्म है, उसकी शूटिंग अब से एक घंटे बाद शुरू हो जाएगी। फिर से अमिताभ बच्चन उस शूटिंग का हिस्सा होंगे। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब क्योंकि शूटिंग जब शुरू होने की बात सामने आ रही है, तो क्या अमित जी के फैंस ये उम्मीद करें कि बच्चन साहब अब ठीक है? जी नेहा, निश्चित तौर पर कुछ देर पहले अमिताभ बच्चन होटल से रवाना हुए हैं, कुछ ही देर में शूटिंग शुरू होगी। मेहरानगढ़ दुर्ग में ये शूटिंग चल रही है और रात की शूटिंग का शेड्यूल है। खास बात यह है कि आज शूटिंग के साथ साथ एक बड़ा जलसा भी शूटिंग वाली जगह पर होगा। आमिर खान का जन्मदिन है 14 मार्च, और उसी को रात 12 बजे के करीब फिल्म शूटिंग से जुड़े हुए तमाम लोग, यूनिट के तमाम लोग सेलिब्रेट करेंगे और खुद अमिताभ बच्चन भी इस मौके पर गवाह रहेंगे। तो ये एक बड़ा शुभ संकेत है अमिताभ बच्चन के करोड़ों करोड़ों प्रशंसकों के लिए कि वो ठीक हैं और एक बार फिर शूटिंग पर लौट गए हैं। तो शायद इससे बड़ी आज की अमिताभ के प्रशंसकों के लिए इससे बड़ी कोई खबर हो ही नहीं सकती। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने कहा, वाकई में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के जो कायल हैं, और वो लगभग देश और विदेश में कई ऐसे लोग हैं जो दिबांग फिल्मों में रुचि रखते हैं, और ऐसे लोगों के लिए अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर अच्छी खबर आई है। ब्रेक के बाद जर्मन में एक बार फिर आपका स्वागत है। जर्मन में आज की जो अहम खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से दिबांग लाल आतंक देखने के लिए मिला है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि लगातार बिग बी की सेहत को लेकर के सवाल उठ रहे थे सुबह से ही, अब ये खबर आई है कि उनकी तबीयत ठीक है। हम आपको बता दें, 75 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन अपने से आधी उम्र के अभिनेताओं के बराबर काम कर रहे हैं, चाहे फिल्में हो या विज्ञापन। वो उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी बाकी अभिनेता, और अक्सर ये कहा जाता है कि इस उम्र में भी वो इतनी ऊर्जा लाते कहां से हैं? इसका जवाब खुद अमिताभ बच्चन से सुनिए। करीब 14 सालों तक अमिताभ बच्चन की फिटनेस ट्रेनर और डाइटिशियन रही वृंदा मेहता ने एबीपी न्यूज को अमिताभ की फिटनेस का राज बताया। उनका दिन शुरू ही वर्कआउट से होता है, वो तो गिवन है। कितने बजे? नॉर्मली मैंने उनको 6 बजे भी ट्रेन किया है, सुबह 7 बजे भी ट्रेन किया है, शूटिंग के बाद भी ट्रेन किया है, बट अमित जी वर्कआउट नहीं भूलते। अनलेस की ऐसी रूटीन हो कि कुछ भी करके नहीं हो पा रहा है, बट वो वर्कआउट के लिए टाइम जरूर निकालते। हमने सुना है कि वो चीनी नहीं खाते, वो अल्कोहल से दूर हैं, अब तो चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन खाते हैं। तो आखिर वो क्या खाते हैं जो उन्हें इतनी ताकत मिलती है? घर का खाना, सिंपल घर का खाना इन बैलेंस्ड अमाउंट, सब कुछ इन बैलेंस्ड अमाउंट, दैट इज द की। वो अपनी जो कहते हैं कि जो स्केड्यूल है वो पहले से बहुत ही प्लान करके रखते हैं। मतलब मुझे लगता है कि
अभी भी वो 14 से 16 घंटा दिन में काम करते हैं और मैंने कभी उनमें थकान या कभी नहीं देखा है। मैं प्राणायाम वगैरह करता हूँ। शरीर क्या है कि अब इतना सुडौल नहीं है कि जितनी मुद्राएं होती हैं योग में वो सब कर सकूं। एक ज़माना था जब हम कर पाते थे लेकिन अब नहीं, लेकिन अभी प्राणायाम करते हैं, उसमें काफ़ी हमको सहायता मिलती है। मुंबई से श्वेता के साथ ज्वेता मित्रा की रिपोर्ट। तो देबांगी, कहा जाए कि स्वस्थ लाइफस्टाइल ही सफलता की कुंजी है बिग बी के केस में। जी हाँ, बिल्कुल सही है, वो खुद भी इस बात को कहते हैं। और अगर आप देखें, उनको एक लेफ्ट शोल्डर जो है उसमें उनकी एक चोट है जिसकी वजह से उनको बार बार दर्द होता है अगर कुछ उसमें चोट लग जाए या कुछ उठाएं या कुछ गिरे वहाँ पर सेट पर या इस तरह की कोई सीन हो, तो उसकी वजह से वो स्लिंग लगाते हैं, फिर आइस पैक लगाते हैं शोल्डर में। इसके बारे में दिसंबर में वो खुद भी बता चुके हैं, दिसंबर की ये बात है। लेकिन उसके बाद वो फिर काम पर लौटते हैं और ये जो 102 नॉट आउट है इसमें उन्होंने गाना गाया भी है, कंपोज भी किया है और म्यूज़िक वीडियो भी बनाया है उसके लिए, वो नाचे भी हैं। तो वो जज्बा भी है उनके अंदर, यानी चोट लगती है फिर वो काम पर लौट जाते हैं। अब यहाँ पे आज भी देख रहे हैं कि अब वो 10 बजे से उनका शूट शुरू हो जाएगा। और जर्मन में हम आपको बता दें, आज जिस खबर की हम बात इस वक्त करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में लाल आतंक एक बार फिर देखा गया और दिबांग, सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह रही कि हमारे नौजवान इसमें शहीद हो गए। नक्सलियों ने एक बार फिर से देश को दहला दिया है और चुनौती दी है हमारे लोकतंत्र को। सीआरपीएफ के नौजवान नक्सलियों के हमले में शहीद हो गए। हमला छत्तीसगढ़ के उसी सुकमा इलाके में हुआ है जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन नक्सली समस्या पर काबू पाना रमन सिंह और मोदी सरकार तक के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। जबकि नोटबंदी के फायदे गिराने के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया था कि नोटबंदी से नक्सलियों पर भी लगाम लगाने में कामयाबी मिलेगी। एक बार फिर दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें देश के सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने बड़ा अटैक किया। सुकमा के किस्टराम इलाके में नक्सलियों ने लैंडमाइंस बिछाकर हमला बोला। सड़क से गुजर रही सीआरपीएफ गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हमला इतना जबरदस्त था कि एंटी लैंडमाइंस गाड़ी में सवार होने के बावजूद हमारे नौजवान शहीद हो गए। सवाल है कि क्या नक्सलियों की ताकत को आंकने में हमारी सरकार और रणनीति बनाने में जुटे अधिकारी नाकाम हैं? सीआरपीएफ जवानों के शव के विचलित कर देने वाली पूरी तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते। घटना के बाद दो घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर के लिए एयरलिफ्ट किया गया। किस्टराम सुकमा का सबसे खतरनाक इलाका है जो नक्सलियों का गढ़ है। यहाँ हर दिन नक्सली फायरिंग करते हैं। जवानों और नक्सलियों की मुठभेड़ यहाँ आम बात है। सड़कों पर इसी तरह जवान गश्त करते रहते हैं, कभी पैदल तो कभी एंटी लैंडमाइन गाड़ियों में सवार होकर। इस इलाके में इंटेलिजेंस की सूचना भी काम नहीं आती। जो एरिया है किस्टाराम और पेलुडी का, वो आप सभी जानते हैं कि वो बहुत ही बड़ा नक्सलियों का गढ़ है। वहाँ पर किसी तरह के इंटेलिजेंस इनपुट की ज़रूरत नहीं है। रोज़ वहाँ एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, रोज़ घटनाएं होती हैं। आज सुबह भी गोली चली थी, कल भी चली है। हर बार की तरह सीएम रमन सिंह ने सीनियर अफसरों के साथ बैठक की और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को और तेज करने के निर्देश दिए। हर बड़े नक्सली हमले के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह का यही बयान आता है, लेकिन घटनाएं कम नहीं हो रही। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले में ही 25 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। 11 मार्च 2017 को भी सुकमा में 12 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। और इन्हीं हमले के बाद राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी नक्सलियों को सबक सिखाने का ऐलान किया था। नक्सलियों के खिलाफ लगातार मुठभेड़ भी चली, लेकिन नक्सली हमले नहीं रुके। अब एक बार फिर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना की निंदा करने का बयान दे दिया है। जो कुछ भी हुआ है कि बहुत दुखद है, लेकिन हमारे सारे जवान पैरामिलिट्री फोर्स के, सीआरपीएफ के सारे जवान बड़ी बहादुरी से अपनी काम का अंजाम दे रहे हैं। यह है बहुत ही हमारे लिए शॉकिंग दुखद घटना है। सीएम रमन सिंह की माने तो राज्य सरकार की ओर से आदिवासी जिले में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं, विकास विरोधी नक्सलियों का अस्तित्व संकट में है और इसी से घबराकर नक्सली सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं। लेकिन सवाल है कि नक्सली समस्या को खत्म करने के लिए रमन सिंह की सरकार को और कितना वक्त चाहिए? 15 सालों से वो सरकार चला रहे हैं और उनके ही राज में नक्सली हमले का आंकड़ा देखिए। 2005 से मार्च 2018 तक 2742 नक्सली हमले हुए हैं। नक्सली हमले में 988 जवान शहीद हुए तो जवाबी ऑपरेशन में 985 नक्सली मारे गए।
संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। दिबांग नक्सली हमलों पर लगाम लगाने की आप क्या उम्मीद करेंगे बताइए। स्पेशल नक्सल ऑपरेशन के डीजीडीएम अवस्थी साहब को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं ऐसे इलाके में इंटेलिजेंस की क्या जरूरत है, यहाँ तो कल भी गोली चली थी, आज भी गोली चली थी, गोली चलती रहती है। जी, मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता है। इंटेलिजेंस मतलब आपको ये गुप्त जानकारी मिलती रहनी चाहिए कि नक्सली क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरह का हमला कर सकते हैं। अगर आप इस हमले को भी देखें तो 208 कोबरा बटालियन जो सीआरपीएफ की है उस पर नक्सलियों ने सुबह 8 बजे हमला किया, इधर से जवाबी कार्रवाई हुई, नक्सली भाग निकले। 12:30 बजे उन्होंने फिर कोबरा बटालियन 212 पर हमला किया और उसमें उन्होंने पूरी गाड़ी जो माइन प्रोटेक्टेड गाड़ी थी वो उड़ा दी। अगर आपके पास इंटेलिजेंस होती वो क्या करने वाले हैं तो डीजी साहब आप ये कार्रवाई रुकवा सकते थे। ये वही इलाका है जहां आज से ठीक 4 दिन पहले 28 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, उसमें एक उनका कमांडर भी था। आप उन्हीं से पूछ लेते कि भाई क्या करने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है। अगर आप इस भाव से चलेंगे कि इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं है तो मेरे ख्याल से ये गलत भाव है। इंटेलिजेंस जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा छोटी बड़ी जो भी जानकारी आपको मिल सकती है उनकी कार्रवाइयों के बारे में वो आपको अपने पास रखनी चाहिए, लेनी चाहिए, तभी आप अपना बचाव कर पाएंगे, तभी आप उनको रोक पाएंगे। अगर आप इस भाव से चलेंगे कि इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है तो कैसे आप रोकेंगे। ये बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि यहाँ इंटेलिजेंस और बढ़ानी चाहिए, जानकारी आपको उनसे पहले मिलनी चाहिए। दुनिया भर में जहाँ भी इस तरह के संगठनों से लड़े हैं उसमें इंटेलिजेंस की बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल, और सिर्फ शोक व्यक्त करने और दुख मनाने से काम नहीं चलेगा। राजनाथ जी, आपके लिए है ये, आप हर चीज की निंदा करते रहेंगे, शोक मनाते रहेंगे, लोग अब तंग आ रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर तो लोग, कोई भी घटना होती है पहले ये ट्वीट आ जाता है कि अब राजनाथ जी इस पर निंदा करेंगे, कड़ी निंदा करेंगे, आगे चाह रहे हैं लोग। और आपने वादे बहुत किए थे इसलिए आपसे उम्मीदें भी बहुत हैं। बिल्कुल, और क्यों हमारे जवान नक्सलियों के इन हमलों में मारे जाते रहे ये बड़ा सवाल है। सरकार को अब सिर्फ वादों की बात नहीं करनी चाहिए, उससे आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आधार पर सुप्रीम राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार कार्ड पर करोड़ों लोगों को खुश कर देने वाला फैसला दिया है। इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिन्हें 31 मार्च तक आधार कार्ड को कई सेवाओं से लिंक कराना था। आधार कार्ड को कई सेवाओं से लिंक कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आधार पर फैसला नहीं आ जाता तब तक इसे लिंक करना अनिवार्य नहीं है। आधार लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च तक थी जिसे अब फैसला आने तक बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इंश्योरेंस के साथ आधार को 31 मार्च तक लिंक करना जरूरी नहीं है। हालांकि सरकारी योजनाओं में मिलने वाली सब्सिडी पाने के लिए, पेंशन, एलपीजी सिलेंडर, सरकारी स्कॉलरशिप के लिए आधार को 31 मार्च तक लिंक करना जरूरी है। यानी अब आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक आधार कार्ड को बैंकिंग, मोबाइल, पैन कार्ड जैसी दूसरी कई सेवाओं से लिंक करने का वक्त मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के चलते एक बड़ी राहत आम लोगों के लिए। दिबांग जी, सीधा इसका मतलब यह है कि आपको जो लगातार SMS आते रहते हैं कि भाई अपना कार्ड जुड़वा लीजिए आधार से, बैंक का जो कार्ड है वो, बैंक का खाता है वो, अब आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने ये भी ध्यान दिया दिलाया कोर्ट का कि कई जगह आधार कार्ड न होने की वजह से लोगों को राशन नहीं मिला और मौत हुई, लेकिन ये भी साफ है कि बहुत सारी जो सरकारी सब्सिडी है, सरकारी योजनाएँ, उनके लिए आधार का लिंकेज ज़रूरी रहेगा। ये एक तरीके से जो याचिकाकर्ता है उनकी पूरी चुनौती है, आधार स्कीम जो पूरी है उसको एक तरीके से यहाँ पर चुनौती दी गई है। बात हो रही है प्राइवेसी की, तो मामला जाहिर है लंबा चलेगा। एक बार सुप्रीम कोर्ट ये अवधि बढ़ा चुकी है और इसलिए अब उन्होंने कह दिया कि भाई जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक ये छूट रहेगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।